हेलो स्टूडेंट्स मैं हूं आलोक कुमार आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की आयनिक इक्वरियम थोड़ा सा ये चैप्टर ऐसा है कई बार जब मैं नाम लेता हूं आयनिक इक्वेम तो कई बार स्टूडेंट्स के चेहरों पर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि अरे यार <laughs> क्यों आ, बच्चे थोड़ा डरते हैं इस टॉपिक से स्टूडेंट्स थोड़ा सा फियरफुल रहते हैं उनको ये थोड़ा मुश्किल लगता है माय एक्सपीरियंस इज विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन आई इंटरक्ट के आयनिक में वो कंफर्टेबल फील नहीं करते मुझे रीजन मालूम है क्यों कंफर्टेबल फील नहीं करते वो कंफर्टेबल इसलिए नहीं फील करते क्योंकि इसमें केसेस थोड़े ज्यादा बन जाते हैं और वो थोड़े फैल जाते हैं स्टूडेंट्स इसमें वो केसेस को याद नहीं रख पाते या फिर फॉर्मूले रटने की कोशिश करते हैं अगर इस चैप्टर में आप फॉर्मूले रखने की कोशिश ना करो और समझ के आगे बढ़ो तो फिर पढ़ने पर ये चैप्टर एक रिलेटिवली आसान चैप्टर है आसान नहीं भी कहेंगे तो मुश्किल तो बिल्कुल नहीं कहेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखेंगे एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड आयनिक हियर तो आज पहला लेक्चर है आयनिक इक्विबरियम का तो हेडिंग लिखेंगे आयनिक इक्विब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम अब आयनिक इक्विलिब्रियम वैसे तो आ, हम यहां दो चैप्टर पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम में हम मोस्टली मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम लेते हैं मॉलिक्यूल्स का इक्विलिब्रियम जैसे PCl5 को हीट करो तो डीकंपोजेस इनटू PCl3 गैस एंड Cl2 गैस इन अ क्लोज्ड सिस्टम और अ कंटेनर तो ये मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम हो गया जैसे आ, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय द हेबर्स प्रोसेस ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है इक्लिब्रियम सिस्टम है तो ये भी एक मॉलिकुलर इक्विब्रियम हुआ बट आइनिक इक्बरियम को इसलिए भी अलग किया गया है चैप्टर में कॉन्सेप्ट मोरलेस दोनों में सेम ही है बट आयनिक इक्बरियम को पढ़ने का रीजन अलग से वो यही है कि सोल्यूशन फेज में एक्वस मीडियम में आयनों की केमिस्ट्री बहुत ही वास्ट होती है तो उस केमिस्ट्री को अलग से समझने के लिए वी हैव सेपरेटेड ए पार्ट ऑफ द इक्बरियम कॉल्ड आयनिक इक्बरियम तो स्टार्ट करने से पहले चलिए पहले बात करेंगे यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स की इलेक्ट्रोलाइट्स वो जो आयन्स प्रोवाइड करें तो यहां पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो लिखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मेनली तीन तरह के हम इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्क्राइब करते हैं यहां पर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट weak electrolyte and non-electrolyte actually one by one we will take first strong electrolyte स्ट्रॉन्ग का मतलब यह हुआ कि विच ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर तो लिखो विच आयोनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर जैसे एग्जांपल्स में लिखेंगे तो स्ट्रांग एसिड्स एस ए मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो स्ट्रॉग एसिड्स के एग्जाम्पल याद भी रखने हैं ये काम आएंगे जैसे एच सी एल एच बी आर एच आई एच एन ओ थ्री एच टू एस ओ फोर एच टू एस ओ फोर को हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं हालांकि सेकेंड एसोसिएशन इज पार्शियल इनफ़ हाई बट पार्शियल एंड एच सी एल ओ एटसेट्रा स्ट्रॉन्ग बेसेस जनरली एल्कली मेटल के जो बेसेस होते हैं एल्कली मेटल लाइक लिथियम सोडियम पोटेशियम तो एल आई ओ एच को भी स्ट्रॉन्ग बेस ही मानेंगे हाँ लेकिन थोड़ा सा कम डिजोल्व होता है बट स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा ये एन ए ओ ओ ओ एच के ओ एच आर बी ओ एच सी एस ओ एच बेरियम हाइड्रोक्साइड

कितना टूट गया कंप्लीट टूट गया टूट गया ऐसा तो है नहीं कि एन को पानी में घोला और उसमें मुंह डाल के चेक कर लें कि कितने आयनों में टूटा है दिस इज नॉट पॉसिबल सिंपली नॉट पॉसिबल तो फिर कैसे कोई तो एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा टू फाइंड आउट वेदर द इलेक्ट्रोलाइट इज कम्प्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज नॉट है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जो सोल्यूशन होते हैं दे आर वेरी हाईली कंडक्टिंग इन नेचर और हाई कंडक्शन कंडक्शन किसकी वजह से होता है because of ions not because of molecules so liquiding uh, solutions of such electrolytes strong electrolytes are highly conducting are highly conducting दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट नाम से ही मालूम पड़ रहा है आयोनाइज पार्शियली इन वाटर। हम यहां यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर ही लेते हैं पूरी केमिस्ट्री हमारे वाटर में ही यहां पर तो इज इन वाटर जैसे एग्जाम्पल वीक एसिड्स डब्ल्यू ए मतलब वीक एसिड्स तो जैसे कौन आर सीओ एच लाइक एसिडिक एसिड फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड एंड सो ऑन जैसे एच सी एन एच ओ सी एन डाइप्रोटिक एसिड्स में लाइक एच टू सी ओ थ्री एच थ्री फोर एटसेट्रा सो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ वीक एसिड्स सिमिलरली वीक बेसिस अमोनिया और एक्वस मीडियम इट बिहेव एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया आर एन एस टू हाइड्रोजीन ये डाई एसिडिक बेस है डाई एसिडिक बेस तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ Weak basis, then comes, अच्छा यहां भी कैसे मालूम पड़ता है चूंकि आयन्स काफी कम बनते हैं यहां पर यह पार्शली आयोनाइज होते हैं दे आर नॉट आयोनाइज कंप्लीटली तो ऐसे सोल्यूशंस की कंडक्टिविटी क्या होगी रिलेटिवली कम होती है तो लो कंडक्टिंग सोल्यूशन ये सोल्यूशन की कंडक्टिविटी कम होती है एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा ये वो सब्सटेंस है पानी में घुल तो जाते हैं बट आयोनाइज नहीं होते डिजोल्व इन वॉटर बट डू नॉट आयोनाइज बिल्कुल भी आयोनाइज नहीं होती है जैसे एग्जाम्पल ग्लूकोज आप जानते हो वाटर में डिजोल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ द ओवे लिंकेजेस एल्कोहलिक लिंकेजेस होती हैं उसमें थ्रू द हाइड्रोजन वार्निंग विद वाटर इट कैन डिजॉल्व तो ग्लूकोज यूरिया एल्कोहल्स इथेनोल मिथेनोल दे आर सॉलिबल बट दे डू नॉट आयोनाइज सो सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इनके सोल्यूशन वेरी लो कंडक्टिंग और ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिंग ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिंग सोल्यूशन अच्छा ये ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिंग क्यों बोल रहे हैं आप ये बताओ बोलो क्यों बोल रहे हैं नॉन कंडक्टिंग ऑलमोस्ट अच्छा ऑलमोस्ट क्यों यूज किया आयन तो आ नहीं रहे पानी तो है ना वाटर सेल्फ आयोनाइज होता है यू विल स्टडी इन द सेम चैप्टर इन दिस चैप्टर ओनली कि सेल्फ आयोनाइेशन और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर गिव्स अ स्लाइट और स्मॉल अमाउंट ऑफ एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयस तो उसकी वजह से वाटर हैज अ वेरी लिटिल कंडक्टिविटी तो इसलिए बिल्कुल जीरो तो नहीं बोलेंगे तो ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सच सोल्यूशन तो ये थे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अब यहां पर चलिए बात करेंगे अब आर्नियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन क्या है आरहीनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व करते हैं और वो आयनाइज होता है तो जो जो आयंस बनते हैं और जो अन आयनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट होता है देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन देम सिंबोलिकली अगर मान लो ए बी इलेक्ट्रोलाइट है पानी में डिसॉल्व किया घुल गया और आयनाइज हुआ टू गिव ए प्लस एक्वस एंड बी माइनस एक्वस देन हर इलेक्ट्रोलाइट का अपने एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है तो इसे के बोल दिया के डिसोसिएशन मान लो कंसेंट्रेशन सी थी इनिशियली। पर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो ये कितना बना सी अल्फा, ये सी अल्फा। ये टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब रीच्ड टी इक्विलिब्रियम तो के डिसोसिएशन किसके बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम में यह बात हम पढ़ चुके होते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स तो ए प्लस बी माइनस अपॉन ए बी तो यहां से अगर देखेंगे तो K dissociation के डिसोसिएशन की वैल्यू क्या आ गई सी एल्फा इंटू सी एल्फा अपॉन सी वन माइनस एल्फा यह आ गया सी एल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस एल्फा इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर वन एंड वॉट इज एल्फा एल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन ही बोल सकते हैं ऑफ सबस्टैंस और इलेक्ट्रोलाइट डिफाइन कैसे होता है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टेंस डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस Initially taken number, देखो क्या है alpha? Alpha है अल्फा 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 बहुत पूरे में आप आप ही calculate करते रहेंगे देखना आप। तो is the degree of dissociation या इलेक्ट्रोलाइट इज व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ द सब्सटेंस इनिशियली टेकन इसको देसी भाषा में हिंदी में बढ़िया से समझने के लिए क्या यूज करें कितना टूटा न्यूमरेटर में कौन कितना टूटा अपॉन कितना लिया था कितना कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में अपॉन कितना लिया था कितना डिसोशिएट हुआ अपॉन कितना लिया था तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड वेल डिग्री ऑफ डिसोशिएशन ऑफ सब्सटेंस अब बात आती है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये अल्फा कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है तो लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट भी है लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दिस इज इंपॉर्टेंट तो फैक्टर ऑस अफेक्टिंग एल्फा वन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑब्वियसली अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो एल्फा इज नियरली वन और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो एल्फा इज मच लेस देन वन तो कह सकते हो एल्फा इज नियरली वन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड मच लेस देन वन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेकेंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट वैसे तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम जब भी स्टडी करते हैं तो वी टेक सॉल्वेंट यूनिवर्सली एज वाटर बट वाटर एक बढ़िया सॉल्वेंट है फॉर आयनिक कंपाउंड्स और फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों बढ़िया है बिकॉज ऑफ द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो डाइ कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट अगर हाई होगा तो एल्फा ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो विल बी हाई जैसे डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डी से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एच टू ओ लिक्विड वाटर के लिए इज नियरली एटी तो वाटर इज ए वेरी गुड सॉल्वेंट अच्छा यह एक बात समझो जरा कि वॉट इज द रोल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जैसे मान लो आप एनए की बात करते हो ये एक स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट है बट आप जानते हो रूम कंडीशन पे एनए सॉलिड है एनए सॉलिड में एनए प्लस और सीएल स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग में अटैच्ड है कनेक्टेड हैं और क्रिस्टल्स बनते हैं इसके आप जानते हो कि एनएसएल में से एन ए प्लस और सीएल माइनस को अलग अलग करना हो अगर मेल्टिंग द्वारा कर रहे हैं तो यू हैव ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ए सी एल नियरलीवन बियॉन्ड एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करोगे तब ये मेल्ट होकर के आयन टूट के अलग होंगे एनए प्लस एंड सी एल माइनस मत करो हीट इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है जस्ट डिजोल्व इन वाटर पानी में डुबो दो इसको पानी में डुबोते ही दे डिसोशिएट टू फॉर्म एन ए प्लस एक्वस एंड सी एल माइनस एक्वस तो वाटर ने ऐसा क्या कर दिया कि एनए सी एल बड़ी मुश्किल से जो आयन छोड़ता है एक दूसरे को मेल्टिंग के द्वारा वो पानी में बड़े रूम कंडीशन पे बड़ी आसानी से टूट के अलग होगा यानी प्लस एक्वासेंट सीएल माइनस इट इज ड्यू टू द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज वेरी हाई आप जानते हो कि आयनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट एफ इज इक्वल टू व्हाट के क्यू q2 अपॉन d r स्क्वायर कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ d इज व्हाट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर और द रेयर मीडियम मान लो एन सॉलिड है तो एक तरीके से एनए प्लस और के बीच में अगर एयर में है, हवा में है तो हवा मान लिया चलो तो हवा के लिए डी की वैल्यू क्या है वैल्यू क्या है एट्टी इसका मतलब सॉलिड था बट जैसे वॉटर में डिजोल्व किया तो मीडियम का इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मतलब वॉटर का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना हो गया एट्टी देट मीन यू है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवी एनए प्लस एनसीएल अस्सी गुना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया ऑब्वियसली ये आसानी से टूट जाएंगे और टूटने के बाद हाइड्रेट और जाते हैं हाइड्रेशन इज द स्टेबिलाई प्रोसेस फॉर आयंस। हाइड्रेशन इज द स्टेबिला तो एक तरीके से डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द सोल्वेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल वाटर का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट काफी हाई है दैट्स वाई इट इज वन ऑफ द बेस्ट सोलवेंट फॉर आयनिक कंपाउंड और पोलर कंपाउंड तो लिख भी देंगे वॉटर इज एक्सीलेंट सॉलवेंट फॉर आइनिक कंपाउंड एंड पोलर मॉलिक्यूल्स तो दूसरा फैक्टर था नेचर ऑफ सॉल्व एंड थर्ड विल टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसको एक काम करेंगे थोड़ी देर में इसी में आगे पढ़ेंगे इसको तो ओस्ट डाइल्यूशन लॉ में रेफर टू तो पोस्ट डाइल्यूशन लॉ इसको अलग से स्टडी करेंगे लिख तो लें कि किस फैक्टर पे अल्फा डिपेंड करता है बट इसको पढ़ा भी लेंगे बाद में तो रेफर टू तो ओस्ट डाइल्यूशन लॉ, देन कम्स फोर्थ टेम्परेचर टेम्परेचर का भी रोल होता है अब ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जो ली चैटिलियर प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे भी कह सकते हो कि अगर किसी सब्सटेंस का डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है तो टेंपरेचर बढ़ाने पर उसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा और यदि एक्सोथर्मिक है तो टेंपरेचर बढ़ाने पर डिसोसिएशन घट जाएगा तो लिख भी देंगे फॉर एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो कि मोस्ट ऑफ द सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स में पाया जाता है सॉलिड्स को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो प्रोसेस इज एंडोथर्मिक तो फॉर एंडोथर्मिक डिजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एल्फा इंक्रीजेज ऑब्वियसली अगर एक्सोथर्मिक डिजोल्यूशन है जो कि जनरली गैसेस में पाया जाता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एल्फा विल डिक्रीज तो एंडोथर्मिक डिजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर एल्फा बढ़ता है फिफ्थ इज कॉमन आयन इफैक्ट दिस इज इंपॉर्टेंट कॉमन आयन इफैक्ट क्या है कॉमन आयन इफैक्ट एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं जैसे मान लो सी एस थ्री सीओ एच का एक्वा सोल्यूशन है एसिडिक एसिड acid का एक्वा सोल्यूशन तो ये वीक एसिड है अगर कोई वीक एसिड है तो वो पार्शियइज होगा पानी के अंदर तो सी एस थ्री सीओ माइनस एक्व प्लस एच प्लस एक्व एसिड के लिए कांस्टेंट डिफाइन करते हैं तो इसका के भी क्या हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा के ऑफ एसिडिक एसिड वुड बी कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट सी एस थ्री सीओ माइनस इंटू एच प्लस अपॉन सी एस थ्री सीओ एच ये के हुआ अब ये इक्म स्टैब्लिड है पर केमिकल इक्विबरियम में ये पॉइंट पढ़ते हो आप एट केमिकल द सिस्टम इज मोस्ट स्टेबल दैट ऑफ ऑल द स्पीशीज प्रेजेंट इन द विल रिमेन कॉन्स्टेंट कलर ऑफ द सोल्यूशन रिमेन कॉन्स्टेंट ऑल पैरामीटर्स लाइक एंथेल्पी चेंज एंट्रोपी चेंज एंड एवरी थर्मोडायन पैरामीटर विल कंटिन्यू टू बी कॉन्स्टेंट बिकॉज इक्विबियम सिस्टम इज स्टेबल तो मान लो ये इक्विलिब्रियम सिस्टम था दिस कंसंट्रेशन विल बिकम सर्टेन वैल्यूज एंड कांस्टेंट वैल्यूज विल नॉट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो ये के आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द एसिड अच्छा एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डिफाइन होता है तो बेस के लिए क्या डिफाइन होता है के बी हम दूसरी बात कर रहे हैं अभी कॉमन आयन इफेक्ट मान लो इसी सॉल्यूशन में इन दिस सॉल्यूशन HCl gas is passed or added, supplied. मान लो इस सोल्यूशन में आपने एच सी एल गैस अब एचसीएल गैस जनरली गैस वॉल्यूम चेंज नहीं करते गैसेस जब एड कराते हैं किसी सोल्यूशन में तो गैसेस जब वो लिक्विफाई होते हैं तो उनका वॉल्यूम नेग्लीजेबल होता है एंड वी एज्यूम फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑल्सो

और जैसी कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस की बढ़ी आप तो जानते हो शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट था टूट रहा होगा चार पांच परसेंट जो भी टूट रहा होगा बट जैसे ही आपने एच सी एल इसमें सप्लाई किया वो जो चार पांच परसेंट टूट रहा था वो भी और कम टूटेगा घट कर के हो सकता है दो परसेंट या एक परसेंट या उससे भी कम आयोनाइज हो इसका मतलब कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब यह है कि व्हेन कॉमन आयंस आर एडेड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड तो लैंग्वेज में इसको लिखेंगे भी वेन व्हेन अ कॉमन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट is increased alpha of weak electrolyte is suppressed yeah, in presence of common ion alpha of the weak electrolyte is reduced तो व्हेन ए कॉमन आयन कंसेंट्रेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इंक्रीज्ड एल्फा ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड तो डिसोसिएशन और घट जाता है एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट इस इफेक्ट का काफी यूज आएगा जब हम रिमेनिंग पार्ट में इसको स्टडी करेंगे तो ये था कॉमन आयन इफेक्ट हालांकि इसमें भी कुछ और बातें होती हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि कॉमन uh, आयन मिलाने पर कंसेंट्रेशन ऑफ द कॉमन आयन बढ़ने की बजाय घट जाती है तो फिर क्या होगा फिर एल्फा बढ़ जाएगा चलो अब मैंने जब बोली दिया है तो मैं बात कर देता हूँ uh, अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ उसके लिए यू शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ ली चैटिलियर प्रिंसिपल मान लो यही था एसिडिक एसिड acid का एग्जाम्पल आयोनाइज हुआ सी एस थ्री सीओ माइनस एच प्लस मान लो ये कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस कुछ पॉइंट वन एम है फॉर एग्जाम्पल और वन लीटर सोल्यूशन है ये था आपने इसमें एच गैस नहीं पास कराई है इस बार गैस पास कराओगे तो हमेशा एल्फा एसिडिक एसिड का कमी होगा मान लो आपने एचसीएल सॉल्यूशन मिला दिया इसमें वन लीटर एचसीएल कंसेंट्रेशन मान लो पॉइंट जीरो वन एम है इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन। तो ध्यान दो एच प्लस की फिर फाइनल कंसेंट्रेशन क्या हो गई वन लीटर सॉल्यूशन ये था पॉइंट वन और वन लीटर सॉल्यूशन और मिला दिया एच का जिसमें कंसेंट्रेशन ऑफ एच सी एल पॉइंट जीरो वन एम थी तो फिर कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस क्या हो गई तो वॉल्यूम प्लस यहां से भी आएगा एच प्लस पॉइंट जीरो टू लीटर तो जरा देखो कितनी वैल्यू हो गई पॉइंट वन प्लस पॉइंट जीरो वन पॉइंट वन वन अपॉन टू पॉइंट जीरो फाइव फाइव एम ध्यान दो ये थोड़ा ध्यान रखना है अब बाहर से एच मिलाया हमने कॉमन आयन भले ही मिलाए थे हमने बट एच प्लस की फाइनल कंसेंट्रेशन घट गई और जब फाइनल कंसेंट्रेशन घट जाएगी ये डिक्रीज हुई है तो इक्लिबिनियम विल बी शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन तो एल्फा एसिडिक एसिड असेट का और बढ़ जाएगा तो इन दिस केस एल्फा इज इंक्रीज तो एल्फा ऑफ सी एस थ्री सी ओ एच इंक्रीज तो ऐसा हो सकता है कि कॉमन आयन मिलाने पर एल्फा ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इंक्रीज बट ये बहुत ही स्पेसिफिक केस हो गया इन जनरल अगर कोई जनरल बात कहता है और बगैर डेटा के बात कहता है कोई डेटा नहीं दिया हुआ आपको कोई डेटा नहीं दिया हुआ और जनरल बात कही जा रही है और आपसे ये कहा जाए कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है उसमें कॉमन आयन फर्निश करा दिए बाहर से मिला दिए तो क्या कहोगे आपको बस जवाब देना है कि एल्फा ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड और डिक्रीज इंक्रीजिंग वाला मैंने एक स्पेशल केस लिया तो सही बट ये हमें जब ही कंसिडर करना है वेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज अदरवाइज इन जनरल कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज तो ध्यान देंगे ये सब बातें भी होती हैं हालांकि पॉइंट्स विल फर्दर कम वी सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट चलिए इसके आगे की बात हमने कहा अभी तक कॉमन आयन इफेक्ट में Uh, हमने कहा भी था कंसेंट्रेशन के प्रभाव में वी विल टेक अप अपल्ड डायल्यूशन लॉ वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दैट्स इट फॉर नाउ थैंक यू